हेलो, दिस कॉल इज नाउ बीइंग रिकॉर्डेड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। आप यूसुफ वाफी बोल रहे हैं भाई? कौन बोल रहे हैं आप? मैं एमयू से बोल रहा हूँ। कहाँ से? एमयू से, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। 17-18 फोन मार दिया आपने इतनी देर में। इतनी देर में नहीं, मैं पिछले कई वक्त से असल में कुछ काम का खास, इसलिए मैं आपको फोन कर रहा था। हाँ जी, हाँ जी। अभी मैं रिटर्न हुआ हूँ टर्की जोर से। कहाँ से? टर्की जोर से। अच्छा 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 अच्छा, ओके। क्या नाम आपका? शागिर्द हूँ। आपका क्या नाम? प्रोफेसर अदनान। आप प्रोफेसर अदनान साहब हैं? जी जी। क्या पढ़ाते हैं, कौन सा सब्जेक्ट? मैं यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता हूँ। ओह, एंटायर पॉलिटिकल साइंस तो नहीं पढ़ाते ना? नहीं, पॉलिटिकल साइंस का पूरा जो है, यहाँ पर प्रोफेसर हूँ। नहीं, एक एक सब्जेक्ट है एंटायर पॉलिटिकल साइंस, आपको पता है ना, हमारे पीएम ने उसमें डिग्री हासिल की है। जी जी जी, बताइए। एंटायर पॉलिटिकल साइंस, यहाँ पर जो सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है वो पॉलिटिकल साइंस पढ़ाया जाता है, इसके अंदर सारी चीजें आती हैं। हाँ जी, हाँ जी, आप समझे नहीं बात। वो मैं समझ रहा हूँ, पॉलिटिकल साइंस ही सब्जेक्ट होता है, लेकिन एक साहब है जो एंटायर पॉलिटिकल साइंस में मास्टर है। होंगे, बेहतर है। हाँ जी, हाँ जी, जी। क्या नाम आपका? क्या नाम बताया? क्या नाम? अदनान साहब। प्रोफेसर अदनान। हाँ जी अदनान साहब, फरमाइए। अभी मैं टर्की जोर से वापस हुआ हूँ। हाँ, कुछ तोहफे वहाँ से लाया हूँ आपके लिए। तोहफे मेरे लिए? जी जी, आपका एड्रेस मिल जाए तो मैं पार्सल भी करवा सकता हूँ। अच्छा। असल में मौलाना ही ने भिजवाए हैं आपकी, जो मैंने क्लिप्स मौलाना को सुनवाई थी। हाँ हाँ, बहुत खुश हुए। हाँ हाँ, तो मैं तो हदीये तो लेता नहीं हूँ भाई। नहीं, अहमद लाड साहब ने भिजवाई है आपको? हाँ हाँ, वही तो, अहमद लाड साहब खुद ही पहुँचा देते अगर होता ना। नहीं, असल में वो अभी जोड़ में ही है वहाँ पर। हाँ, वो कोई बात नहीं, वो मेरे पड़ोसी है, सूरत में ही रहते हैं। कहाँ रहते हैं वो? आपके जरिए जहमत क्यों करेंगे भेजने की? अब वहाँ से भेजा है। हाँ, है, आप अपना मुझे एड्रेस भेज देते? नहीं, मैं नहीं कबूल करता हूँ अदनान साहब, मैं तोहफा किसी को अभी भी। देखिए, अभी बीच में एक मौलाना आए थे जाम्बिया से। अच्छा अच्छा अच्छा, बेहतर है। हाँ, फिर वो मच्छी लाए थे मेरे लिए, तो मेरा दिल गवारा नहीं किया। फिर उन्होंने वहाँ की जो है कुछ खजूरें उन्होंने दे दी हैं, जो मैं आपको बता दूँ, और कुछ और भी तोहफे हैं वो आपको देना था। नहीं नहीं, मैं इस काम की निस्बत से तोहफा लेता ही नहीं हूँ, आप किसी और को, जरूरतमंद को दे दीजिए। नहीं, काम की निस्बत नहीं, मौलाना ने खुदसन आपके लिए भेजा है। हाँ भाई, काम की निस्बत से भेजा, मेरा उनसे कोई टच ही नहीं है। तो क्या बोल रहे? उनसे मेरा कोई टच ही नहीं, तो क्यों भेजेंगे मेरे लिए? वो काम की निस्बत से ही भेजेंगे। आपकी दरअसल क्लिप सुनाई थी तो बहुत खुश हुए थे कि आप। अच्छा, इतना मतलब वजाहत करते हैं। मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता कि वो हजरत इस तरह की क्लिप से खुश हो। नहीं, वो खुश हुए हैं। नहीं प्रोफेसर साहब, आप आगे बात बढ़ाइए, क्या कहना चाह रहे हैं? कॉल भी रिकॉर्डिंग में, आपने हदीये के मैसेज का कॉल भी रिकॉर्ड में डाल दिया है, आगे बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं। मैं बस यही कहना चाह रहा हूँ कि आपको तोहफे भेजने हैं, आप अपना एड्रेस भेज दीजिए बराए मेहरबानी करके, तो मैं आपको जो यहाँ से पार्सल करवा दूँगा। मैंने सॉरी कह दिया आपसे, नहीं लेता हूँ। मैंने कहा ना आपसे कि मैं नहीं लेता हूँ, इस काम की निस्बत से कोई भी तोहफा है मैं नहीं लेता हूँ। मैं दुनिया में हदिया सिर्फ मेरे भाई से लिया हूँ, छोटे भाई है ना। जी जी। हाँ, बाकी किसी से तोहफा हदिया नहीं लेता हूँ मैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हजरत मौलाना को मैं क्या मैसेज पहुँचा दूँगी जो है? लौटा दो उनको, यूसुफ भाई को नहीं लेने बोल दो। अच्छा। हाँ जी, मतलब डायरेक्टली पहुँचा दें वो? हाँ, नहीं नहीं, उनको बोल दो नहीं चाहिए यूसुफ भाई को। नहीं, वो अगर उनको भाई, उनको अगर भेजना हो तो सूरत मेरे करीब है। नहीं, वो मशरूफ है आदमी, घर पे तो लौटेगा ना। इतनी भी क्या जल्दी है यहाँ भेजने की? उसके बाद अभी उसके बाद जो है दिल्ली में इज्तिमा है। हाँ, उसके बाद जो है उनको हजरत को रायगंज जाना है। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, जाते रहे, सूरत इतनी जल्दी अभी पहुँचेंगे। ओ प्रोफेसर साहब, ओ प्रोफेसर साहब, जी 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 जी, बताइए। आप जैसे है ना, आप जैसे कितने सारे प्रोफेसरों को हम लेक्चर दे चुके हैं, आपको जो मुद्दे की बात पे आना, आइए, आप समझ रहे हैं? नहीं, मुद्दे की बात पे नहीं आना है यूसुफ भाई। हाँ जी, मैं जो सही बात है मैं वो आपसे मतलब बात। जज़ाकअल्लाह, आप रख लीजिए, आप रख लीजिए, ये 15-17 फ्लोन आपने उन्हीं के जरिए जो है आपका नंबर मिला है। नामुमकिन, इम्पॉसिबल, यू आर लाइंग, यू आर लायर, 100% झूठे आदमी हो।
अरे जुठिया चलो निकलो, 15-17 फोन इसलिए किए थे तुमने बेवकूफ। यू नो दैट